एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पोहा, खूब सारी वेजिटेबल डालकर। और मैं आपको ये दिखाऊं, मैंने 1.5 कप पोहा ना ऐसे भिगो लिया है अच्छे से, जैसे अच्छे से वॉश करके और इसको छलनी में डाल के ऐसे स्ट्रेन कर लिया है। एक एक देखिए दाना खिला हुआ है। मैंने इसी में भिगोते हुए थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से लग जाता है, क्योंकि हल्दी का कलर ना मुझे थोड़ा सा लाइट पोहे में अच्छा लगता है, डार्क नहीं अच्छा लगता। तो आप अपने हिसाब से आप अपना पोहे का बना सकते हैं। तो जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स मैं डालती जाऊंगी ना, मैं आपको बताती जाऊंगी। और मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी कि पोहा कैसे मैंने भिगोना बताया है, अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि वीडियो बार बार बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आपको जल्दी से पोहा बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने ये 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें हम डाल रहे हैं ये राई। राई तड़केगी, इसके साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। इसके साथ ही देखिए, मैंने ये वेजिटेबल्स को काट के रखा है, कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं। तो हम इसमें सबसे पहले प्याज डाल देंगे। जब कड़ी पत्ता और ये राई ऐसे भून जाए ना, तब हमें इसमें प्याज डालनी है। हमने ना 2 टेबलस्पून मूंगफली को ऑयल में ऐसे हल्का सा फ्राई करके रख लिया है। तो ये अभी आपकी चॉइस है, अगर आप पसंद करते हैं तो खाली वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और नहीं तो मुझे ये क्रंची मूंगफली भी इसमें डली हुई बहुत अच्छी लगती है, ऐसे भी बनाकर देखिएगा। देखिए, ये प्याज जो है अच्छे से भुन गया है। मैं आपको दिखाऊं, मैं यानी बहुत ब्राउन इसको नहीं करना है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक ताकि क्या प्याज भी फीका फीका ना लगे। अब हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्ची कटी हुई, फिर गाजर, जो सब्जी आप पसंद करते हैं ना वो डाल दीजिए। गाजर को थोड़ा सा सॉटे करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है गाजर को जरा सा सॉफ्ट होने में, आजकल की गाजर को। उसके बाद हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। ये देखिए, गाजर भी अच्छे से भुन गई है। अब हम डाल रहे हैं इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे करेंगे। अब ये सब्जियां हमारी भुनकर अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये पोहा। देखिए कितना खिला खिला पोहा है, और ऐसा नहीं है कि गला नहीं है, बहुत अच्छे से ना गल भी गया है। ये देखिए, मैश हो रहा है अच्छे से, क्योंकि अगर आपका पोहा अच्छे से गला नहीं होगा ना तो वो बहुत सूखा सूखा लगेगा। तो आप पोहा जो है अच्छे से उसको रख दें 20 मिनट के लिए पहले, और एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। अगर वो फिर भी सूख जाता है ना पोहा, तो आप उस पर थोड़ा सा पानी का छींटा दे सकते हैं। पानी का छींटा देने से ना दोबारा से वो फिर हल्का सा मॉइस्चर हो जाता है उसमें, और वो सॉफ्ट लगता है। अदरवाइज क्या है, पोहा जो है ना सूखा सूखा नहीं अच्छा लगता। ये देखिए कितना बढ़िया ये पोहा बनकर तैयार है। अगर आप 1 कप लेंगे ना तो आपकी 2 या 3 प्लेट हो जाएंगी आपके उसके हिसाब से। तो पहले आप 1 कप से ट्राई कीजिए। देखिए, अब इसमें बस हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे ऊपर से। चाट मसाला डाल रहे हैं, और इसमें मैं ना कुछ नहीं डालती हूँ। हरी मिर्च का फ्लेवर है, लाल मिर्च में इसमें नहीं डालती हूँ। 1 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें ना मूंगफली की गिरियां डालेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। आजकल हरा धनिया बहुत कॉस्टली है, लेकिन आप एक बार लाकर ना पेपर नेपकिन में और डब्बे में, टाइट डब्बे में, जैसे मैंने बताया, पैक करके रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए कितना खिला खिला पोहा बना है। तो आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। और नींबू आप उतार कर, अगर आप नींबू पसंद करते हैं ना, तो नींबू आप बिल्कुल ठंडा करने के बाद, अपने ठंडा नहीं सॉरी प्लेट में डालने के बाद ऊपर से निचोड़ सकते हैं, या जब सर्व करें तब भी निचोड़ सकते हैं। ये डालेंगे हम मूंगफली। ये मैं इसमें बीच में नहीं डालती हूँ ताकि ऊपर से क्रंची लगे। और इसकी करते हैं प्लेटिंग। यम्मी सा पोहा बनकर तैयार है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती से हमने इसको सजा दिया है, लेमन रख दिया है, थोड़ा हम इसमें डालेंगे ऊपर से प्याज। आप जो पसंद करें, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा और हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। मूंगफली की गिरी है, और ये प्लेट अब खाने के लिए तैयार है। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर
फॉर वॉचिंग दिस हेल्दी वेजिटेबल पोहा।